एवरीवन, हैप्पी सैटरडे। तो आज जो है आज सैटरडे है और अभी बज रहे हैं दोपहर का 3:10 हो रही है। तो एक्चुअली मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, बट बाहर जो है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बुरा होके रखा है। बहुत ज़ोर से आई थिंक बारिश होने वाला है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कारपेंटर को ढूंढने के लिए इंटीरियर के लिए। तो इंटीरियर का जो प्लानिंग है हम लोग को 2 दिन में डिसाइड करना है कि किस तरह से हम लोग इंटीरियर करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह ये सब देखने के लिए अभी जा रहे हैं। तो कुछ काम था तो आंजल और हस्बैंड गए हैं नया घर में, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। देखते हैं, पूरा जो क्लाइमेट है ना पूरा ब्लैक हो गई है। मीन्स लग रहा है कि रात की जैसे टाइम पर, जो शाम के टाइम पर जिस तरह से हो जाता है ना, उस तरह से हो गई है। और मेरा जो स्किन है आज पूरा ड्राई हो चुकी है। मैं कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था थोड़ा सा, और उसके साथ ना जो थोड़ा सा पाउडर आता है पॉन्ड्स का वो अप्लाई कर दिया था। बट उसको लगाने के बाद मेरा जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है। और खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। और खाने पे मैंने आज बनाया था टमाटर की चटनी, राइस, पालक दाल, और साथ साथ बनाया था चना आलू की सूखी सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। तो अभी ये काम करूँगी, और एंजल का बैग भी रेडी हो चुकी है। मीन्स उसका खाना वाना ये सब डल लिया है, क्योंकि बैग में डाल दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एंजल। तो एंजल का सारा जो खाना पीना, उसका एक पैर ड्रेस, डाइपर, वाइप्स, ये सब हम लोग मैंने बैग पे रख दिया है। और आज जो बैग यूज़ कर रही हूँ वो है ये सिंपल सा बैग है, बट बहुत ही स्टॉप्स इसके अंदर आ जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा स्टॉप्स मैंने इसमें रखा है। तो मैंने एक कूम भी रखा है, क्योंकि मेरे बाल जो है अभी तक गीला है, हेयर वॉश की थी मैंने। तो देखते हैं हम जाएंगे या बाद में जाएंगे पता नहीं, क्योंकि बाहर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। तो चलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा हस्बैंड को पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जिम से तो आ गई थी मैं, बट थोड़ा बहुत काम में बिजी हो गई थी। और राइस वगैरह मैंने ऑलरेडी कर ली है, और पालक की दाल बनाई है, साथ ही साथ टमाटर की चटनी है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में मैंने कुकिंग की, तो इसकी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं की पाई, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कुक किया है डिनर के लिए। तो आज जो डिनर है बिल्कुल भी सिंपल डिनर है, और 20 मिनट्स डिनर है। जिम में जो है थोड़ा बहुत आज ज़्यादा ही वॉकिंग मैंने कर ली, तो इसकी वजह से पैरों में है जो थोड़ा सा चोट लग गई है। तो अभी जो टाइम हो रही है वो है 9:45। तो एंजल यहाँ पर हस्बैंड की वालिद को लेकर खेल रही है, और उसके लिए मैंने रोटी भी ऑलरेडी बना के उसको दूध में भिगो के फिर ठंडा हो रही है वो, तो मैं उसको अभी खिलाऊंगी। और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे ना बारिश हो रही थी, तो बारिश का मौसम एक ऐसा होता है ना, अगर आप बारिश में थोड़ा बहुत भी अगर भीग जाते हो तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लगती है और बहुत ज़्यादा नींद भी आती है।
और हम लोगों का जो काम पे गए थे, जो इंटीरियर का काम है, वो लोग कल आएगा डिजाइन करने के लिए। तो घर का जो इंटीरियर वगैरह वो सब पहले डिजाइन होगा, फिर हम लोग प्लाई ये सब डिसाइड करेंगे। तो जल्दी ही मैं आपके साथ मेरा घर का जो इंटीरियर है, डिज़ाइन है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। जो सॉफ्ट कॉपी होता है अभी तो नहीं बनेगा, घर होते होते टाइम हो जाएगा, सितंबर लास्ट हो जाएगा। तो और हम लोग वहां पर जाएंगे, आई थिंक अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगा आई थिंक वो घर। तो देखते हैं कितना काम होता है। आज हम लोग चार पांच शोरूम गए थे, फिर वहाँ से चिमनी देखने के लिए इली का शोरूम भी गए थे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो गैस का जो हॉब है उसमें ही इलिका से ही लूँ, और चिमनी भी जो है मेरा इलिका ही होगा। तो देखते हैं कितना बहुत प्राइस ऐसा आता है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे। हस्बैंड अभी गए हैं उनके एक फ्रेंड के घर, क्योंकि उस इंटीरियर को थोड़ा बहुत देख के फिर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और हमारा जो घर है एक्चुअली डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम कम्बाइन होके है, तो हम लोग थोड़ा सा पार्टीशन करके करेंगे, तो देखने के लिए भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये ओपन किचन है, जैसे कि आप अगर ड्राइंग रूम में एंट्री करते हो तो पूरा किचन जो है दिखता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत पार्टीशन करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। बट किचन को अटैच होके बालकनी है, तो बालकनी को अगर हम पूरा कवर कर देते हैं तो हवा भी नहीं आएगी, लाइटिंग भी नहीं आएगी, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो रही है हमें। तो अगर आपको कुछ भी आइडिया है ओपन किचन के बारे में तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में आपका किचन, अगर ओपन किचन है तो पिक मुझे ज़रूर भेजिएगा, थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया आएगी। और कमेंट सेशन में भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मुझे किस तरह से किचन चाहिए, और मैं भी जानना चाहती हूँ कि लोग किस तरह से किचन बनाते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला घर है तो इंटीरियर के बारे में मुझे इतना भी आइडिया नहीं है। तो अगर आपका जो किचन है वो पैरेलल किचन है ये ओपन किचन है, तो प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके एक पिक जरूर भेजिएगा। तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो ये सब चल रहा था आज, और दिन जो था कुछ ज्यादा भी खास नहीं था। उस घर को मैंने नहीं गई थी, तो इसकी वजह से आपके साथ नहीं शेयर की, और ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड ही गए थे घर को देखने के लिए, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जैसे कि बिल्डर हम लोगों को जब देता है ना घर, तो पूरा जो पेंटिंग वगैरह ये सब करा के पूरा नया होके देता है, तो ये सब काम चल रहा था वहां पर। तो आज तो मैं नहीं गई, फिर हो सके तो कल जाऊंगी, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये सब चल रहा है, और आज मैंने भी कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे आ गई है। तो आज एक्चुअली मैं एक्चुअली सैटरडे पर सोच रही हूँ कि वीडियो नहीं डालो, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी तो रेस्ट चाहिए ना, तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है यूट्यूब के लिए, तो इसलिए मैं सैटरडे छुट्टी लेती हूँ और वीडियो वगैरह ये सबसे दूर रहती हूँ। वीडियो तो आपके लिए बनाती हूँ ज़रूर, बट डालती नहीं हूँ, क्योंकि एडिटिंग और डालने के टाइम पर ना 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम मुझे सैटरडे पर मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आज कोई भी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाला है। और आज सैटरडे था, बट हम लोग सब्जी मार्केट भी नहीं गए थे, क्योंकि आज बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो कल ही मुझे और कल जो है संडे है, तो संडे के दिन ही कुछ सब्जी वगैरह मुझे शॉपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मंडे ट्यूसडे ये सब वीकडेज चलेगा ना, तो आलू प्याज ये सब खत्म हो गए ये सब्जी। तो यहाँ पे ही कल जाके मैं पास में से शॉप से कुछ सब्जी खरीद के लाऊंगी, और एंजल जो है यहाँ पर बैठ के खेल रही है कुछ चीज़ों के साथ, क्योंकि जो भी मुझे प्रोडक्ट वगैरह ये सब मिलता है ना रिव्यू व्यू के लिए, तो मैं नीचे वाले सेक्शन पे रख देती हूँ। ये आराम से ड्रॉइंग खोलकर वो नीचे वाले पोर्शन से सारी चीज़ों को लेकर खेलती है, फिर से कभी कभी छोड़ देती है, बट कभी कभी जो है फिर से अपनी जगह पर लेके रख देती है। तो ये उसका एक अच्छा आदत है, बट बहुत ज़्यादा मेस करती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर निकाल देती है ना तो रख नहीं पाती है, पूरा घर होके पड़ा होता है, फिर मैं जाके रखती हूँ, तो इस तरह से होता है। बट क्या करें, ये जो रेंट का हाउस होता है ना, अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी जो इंटीरियर काम करूंगी ना, लॉक सिस्टम वाला सारे जो ड्रॉयर करूंगी, क्योंकि ये जो बच्ची है ना पूरा बड़े होने तो आई थिंक 4 या 5 साल तक तो मुझे ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो देखती हूँ।
कितना दूर तक हमारा जो इंटीरियर है सक्सेस होता है, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा तो ड्रीम है बट आइडिया कुछ भी नहीं आ रहा है। और सेकंड बजट के अंदर भी करना पड़ता है, हाँ मन में जो आओ वो कर लो, इस तरह से नहीं। हम लोग मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं और पूरा ज़्यादा से कम कर रहे हैं, तो इस तरह से प्लानिंग है। देखते हैं कल वो लोग आएंगे मीन्स डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको भी आएगा। और सोच रहे हैं कि वॉलपेपर डिज़ाइन कुछ करेंगे, और आपके घर में अगर वॉलपेपर कुछ भी लगा होता है वॉल में तो वो पिक भी हम मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए। आइडिया अगर होगा तो मैं भी उस चीज़ों को फॉलो करके मेरे घर को सुंदर थोड़ा सा बनाऊंगी। और आजकल वॉलपेपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी में है, सब लोग वॉलपेपर यूज़ करते हैं, और पेंट वगैरह से थोड़ा सा रिलैक्स मिलती है, क्योंकि पेंट जो होता है ना फेडेड होता है और वॉलपेपर पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। तो और अगर वॉलपेपर चेंज करने का मन हो वो भी इजीली हो जाता है, तो देखते हैं वॉलपेपर लगाने के लिए तो हम लोग प्लानिंग है, देखते हैं कितना दूर तक सक्सेस होता है। बहुत नींद आ रही है सच में, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी जाऊँगी थोड़ा बहुत बर्तन मुझे क्लीन करना है, जैसे कि सुबह का जो लंच का बर्तन है 3-4 पड़े हुए हैं, साथ ही साथ कढ़ाई वगैरह ये सब अभी निकलेगा खाना खाने के बाद, वो सब क्लीन करना है मुझे। कल संडे है, अगर ये रात को, संडे को क्या होता है ना, संडे को लेट में उठती हूँ और पूरा सिंक अगर भरा पड़ा होता है ना, काम करने के लिए मन नहीं होता है, वीडियो वगैरह शूट भी नहीं करने का मन नहीं होता, तो इस तरह से मैं सोचूँ कि अभी थोड़ा बहुत क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अभी तक तो 10 नहीं बजा है, तो अंजल जो है 10 को खाती है, 10 o'clock पे खाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अंजल का इतना ज़्यादा वो पंचुअलिटी है ना, उसको 9 बजे तक सोना है, 9 बजे तक उठना है, 10 बजे तक खाना है, पूरा उसको पंचुअलिटी हो। अगर मैं भी कोई कभी कभी थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, वो अपने आप सो जाती है, कभी कभी अगर नींद उसको आती है तो उस टाइम पे ही आती है, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं होते, पूरा पंचुअल होके टाइम से नींद आती है। तो 10 को वो खाएगी, अभी मेरे पास 10 to 15 मिनट्स है, तो देखते हैं क्या मैं काम कर पाती हूँ या। और यहाँ पे आई थिंक पिंपल हो गई है, एक नाक के ऊपर पिंपल हो गई है, तो मेरे पास रूप मंत्रा का पिंपल जेल है ना, मैं उसको लगा दूंगी, देखते हैं कितना काम करता है वो पिंपल। थोड़ा सा पेन हो रही है, ज़्यादा नहीं, मेरे फेस में इतना ज़्यादा पिंपल नहीं होता है, बट ऐसे जो होता है ना मंथली एक पिंपल तो निकलना चाहिए, वो उस टाइम पर थोड़ा सा पिंपल होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो चलिए ये आके यहाँ पर खेल रही है बैठ के। हाय मामा। हाय। तो चलिए बाद में बात करती हूँ।